हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज आपका स्वागत करती हूँ मैं एक खूबसूरत बारिश के साथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड अलोंग विथ योर फैमिली। तो सुबह सुबह की बारिश की बात ही अब कुछ अलग होती है। आप देख सकते हो कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और कितना फ्रेश लग रहा है। तो इसी बारिश को देखते हुए मेरा मन किया कि मैं आज कुछ अलग सब्ज़ी बनाऊं। तो चलते बनाते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये है छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बैंगन। और आई नो बहुत लोगों को बैंगन पसंद भी है और नहीं भी है, और मैं जो हूँ मुझे बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो है छोटे छोटे बैंगन, मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैं इस तरह से कट करूँगी जो आप देख रहे हो वीडियो में, बिल्कुल इस तरह से। आप छोटे छोटे बैंगन ले सकते हो, आप सेम रेसिपी बड़े बैंगन के साथ भी कर सकते हो, बट छोटे बैंगन वाली ही रेसिपी है। तो आगे देखिए मैं क्या करती हूँ, कैसे बनाती हूँ। इसे कढ़ाई लिया, इसे इस तरह से कट कर लिया है। डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल क्योंकि हमें ये बैंगन को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए करीब 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो आप अच्छे से धोने के बाद उसे अच्छे से वाइप आउट कर लें बैंगन को, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी पानी रहा तो आप जब फ्राई करोगे तो ऑयल जो है ना आपके ऊपर आ सकता है। तो जस्ट टू अवॉइड, आप बहुत सावधानी से डालें। और इस तरह से आप देख रहे हो एक एक बैंगन आप फ्राई करें, बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सब्सक्राइब करते समय आप ऑल बटन पे क्लिक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आप देख रहे हो कि एक एक बैंगन को बड़ी सावधानी के साथ मैं डाल रही हूँ और इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से। फ्राई करते करते ये मैं आपको बताऊँगी किस कंसिस्टेंसी में आप इसे निकालें। तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया और थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। तो इस समय क्या होता है ना, ये बैंगन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, और जब ये फ्राई करके आप निकाल के थोड़ी देर साइड भी रखते हो ना तो भी ये कुकिंग होता रहता है, मतलब ये ऑलमोस्ट कुक हो जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला बैंगन। तो आई नो बहुत लोगों को पसंद है, और तेलुगु में इसे कहते गुत्ती वंकाय करी। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। तो ये मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है, खाने में बड़ा मज़ा आता है, अपना इसे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? तो घर में मतलब पड़े हुए सारे चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले तो इस तरह से आपने सारे बैंगन को फ्राई कर करके निकाल के साइड में रख लेना है। फिर हम बनाएंगे एक मसाला। तो मसाला बहुत बेसिक है, आप डालो। मैंने इसमें 3 प्याज, 1 इंच अदरक का, 1 10 से 12 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया 1-1 चम्मच मैंने लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए हमारे जो बैंगन है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम साइड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल था कढ़ाई में उसको मैंने साइड कर लिया है, निकाल लिया है। और उसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में, मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था, जो मैंने अभी आपको बोला, वो हम पूरा कढ़ाई में मतलब डाल देंगे, गर्म कढ़ाई में तेल में डाल देंगे। आप देख सकते हो सरसों का तेल का जो है कलर चेंज हो चुका है, एंड इस मसाले को अब हमें फ्राई करना है बहुत अच्छे से। टाइम ले करके डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम हींग भी। तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स और पेस्ट के जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो ज़रूर चेकआउट करें आप। तो इस मसाले को भी फ्राई करने में हमें करीब 6 मिनट लगते हैं। तो डाल दूंगी मैं अभी हींग। तो हींग डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और एक पेस्ट हम इसी दौरान बनाएंगे, वो है टमाटो। 1 टमाटर का मैंने मतलब प्योरी बनाया है, तो वो उसकी क्लिपिंग जो है ना वो मिस हो गई है। तो मैं आपको बता दूंगी किस स्टेज पे डालना है, जब ये मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए उस स्टेज के बाद हम डालेंगे टमाटर का जो प्योरी है, साथ में डालेंगे 1 बड़ा लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच हल्दी।
तो अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक बैलेंस आउट करने के लिए और जल्दी पकाने के लिए मसाला। तो ये अच्छे से पक जाए तब हम डालेंगे टमाटो प्योरी। बहुत कम मसालों के साथ ये बनती है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो बहुत लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ये मेरा तरीका है, सिंपल और ईजी। चलिए तो इसे इस तरह से मैं ढक करके पकाऊंगी। आप देख सकते हो हमारा मसाला ऑलमोस्ट डन है, फिर भी हम और थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसमें जो वो गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो और मैं साइड में भून रही हूँ मूंगफली के दाने। जी हाँ, मूंगफली के दाने हमें इसे भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है, फिर इसका हम बनाएंगे कोर्स ग्राइंड करके एक पाउडर। आपको बहुत अच्छे से पाउडर नहीं बना है, बस नॉर्मल इसे थोड़ा सा एक दो बार पल्स करके छोड़ना है। तो आप देख सकते हो मसाला बिल्कुल मैं ऐसे ही चला चला के ढक ढक के पका के, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ मसाला भूनना है। फिर इसमें जाएगा, जब देखते हो कि ये मसाला ऑलमोस्ट पक गया है, तो ये जो क्लिपिंग है ये मिस हो गई है। तो आई एम सॉरी कि यहाँ पे जो कैमरा था वो ऑन करना मैं भूल गई थी। तो इसमें मैंने डाला एक कप टोमेटो, एक कप मतलब एक टमाटर का ही प्योरी था, प्लस इसमें डाला एक बड़ा लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। बस यही मसाला गया है इस बीच। इस मसाले को भी बहुत अच्छे से भुनना है ताकि हमारा जो सभी मसाले हैं बहुत अच्छे से भुन जाए। और इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच चीनी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर आपको थोड़ा लेना है, कम से कम एक 1.5 टीस्पून करीब। आप इसे भी अच्छे से फ्राई करना है। और इसमें जब लास्ट में बस दो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, वो मैं आपको बताती रहूँगी, आप देखते रहो। बस इसमें कुछ नहीं है, इस रेसिपी को बनाने का एक ही तरीका है, आप मसाले भूनिए, अच्छे से भूनिए। इस तरह से भून के फ्राई करके थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा प्यार के साथ, थोड़ा किचन में आज दूसरे काम करते समय अब ये काम करते रहे तो आपको बोर नहीं लगेगा। बट हाँ, जो हमारा मसाला है उस पर ज़रूर ध्यान दें, ये तले से ना जल जाए तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये देख सकते हो आप, मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब डालेंगे हमारा जो फ्राई किए हुए बैंगन है ना, उसको डाल देंगे। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से भुन गया है। ये लो, मैंने डाला सारे बैंगन। बहुत सावधानी से इसे चलाएं क्योंकि ये ऑलमोस्ट पका हुआ बैंगन है, मतलब ये कुक्ड हो चुका है। तो आप देख लोगे एक आध बैंगन मैं तोड़ चुकी हूँ इसी में। तो बहुत सावधानी से इसे मिलाएं ताकि हमारा जो बैंगन का शेप है ना उसे रखे वैसे ही। तो इस तरह से अच्छे से मिला करके थोड़ा पानी आप डालें ताकि ये मसाला और अच्छे से एक एक बैंगन में लगे। और नमक इस स्टेज पे आप चेक कर लें, अगर आपको लगे कि नमक कम है, ज़्यादा है तो कुछ कर नहीं सकते, नमक कम ही डालें शुरुआत में। कम है तो मैंने चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने एक और चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अभी ढक कर के बहुत अच्छे से पकाना है, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऑयल ओज आउट हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पक चुका है। अब ये ऑलमोस्ट खाने के लिए तैयार है। आप इसे राइस, रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जस्ट गिव इट अ ट्राई, मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपकी फैमिली को, है ना। तो मैंने इसमें डाला गरम मसाला। आप रेडीमेड यूज़ कर सकते हो, आपका घर का बना हुआ यूज़ कर सकते हो, कोई भी मसाला हो जब आपके घर पे अवेलेबल हो डाल दो। अगर आप नहीं खाना चाहते हो गरम मसाला, यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर इट, मतलब नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी मसाला जो हमने पेस्ट बनाया है वो काफ़ी मतलब वो है, मतलब हैवी है, तो आप गरम मसाला अवॉइड भी कर सकते हो। बट मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। इसे और अच्छे से पकाएंगे, जो वाटर जैसा कंसिस्टेंसी हमें दिख रहा है इसे और सुखा देंगे। बहुत लोग इसी स्टेज में छोड़ते हैं क्योंकि बाद में जाके बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाता है, बट स्टिल मुझे वैसे सूखी सूखी बैंगन मसाला की सब्ज़ी पसंद है। तो इस स्टेज पे अब लास्ट में हम डालेंगे
मूंगफली, यस, ये मूंगफली को जो अच्छे से मैंने ग्राइंड किया है, कोर्सली ग्राइंड किया हुआ है, उसको हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा ढक के इसे थोड़े देर चलाएंगे एंड वाला ये कंप्लीट हो गया, बन के तैयार है। एंड खाओ खाओ, आप भी बनाओ। मैंने इसे कल बनाया था, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। तो आप, आशा करती हूँ आप सभी लोग इस रेसिपी को ट्राई करोगे एक बार ज़रूर, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय। चलिए इसे सर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे इसे देखते देखते। तो देखिए बन के तैयार है ना, मज़ेदार। चलिए बाय बाय।